वो खोल के बैठा है। जैसे कि आप सबने देखा जयपुर पार्ट वन में मैं गया था हवा महल और वैक्स म्यूजियम, वहाँ मैंने बहुत मजे किए। जिस जिसने नहीं देखा वो ऊपर आई बटन पर लिंक देख सकते हो, वहाँ लिंक आ रहा है जयपुर पार्ट वन का, वो देख लो। और जयपुर पार्ट टू की स्टार्टिंग होती है जंतर मंतर के बाहर से। जंतर मंतर आ पहुंचे है और पीछे चाचू दुर्गेश टिकट कटवा रहे हैं, तो पहले जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ घूम लेंगे। यहाँ पर इतनी चीज़ें बन रही है पर मेरे को किसी के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट बार आया हूँ। बट ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अंकल बता रहे हैं कि ये जो नीचे है ना, ये कोई टाइम तिथि और इनके हिसाब से ये पूरा एक हो जाता है। जो बीच में गैप दिख रहा है वो गैप नहीं रहता है, बट अब वो अलग अलग डेट पर होता है। सब चीज़ यहाँ पर डेट से ही चलती है और तिथि से, साल से, मंथ से, ऐसे चलती है। सबके अलग अलग किसी क्या परचाई होती है, ऐसा कुछ समझा रहे, मेरे को कुछ समझ तो आया नहीं। वैसे तो ये जो भी बन रखे है वो कोई ऐसे ही नहीं बना रखे है, इनके पीछे कुछ ना कुछ राज है। और ये सब यंत्र है, सबके ऊपर लिख रखा है कोई कौन सा यंत्र है, कोई कौन सा यंत्र है, पता नहीं कौन कौन से काम में यूज़ किया जाता था इनका पहले। सब कुछ छोड़ो, मेरे को सबसे एंटिक और मस्त चीज़ लगी वो ये है कि गेट है ये अंडरग्राउंड, यहाँ से राजा आता था और वो ऊपर जाता था लड़ाई करने के लिए। और साइड साइड में जो बन रखे हैं राइट में लेफ्ट में, ये सब यहाँ पे तो सैनिक होते थे, वो लड़ाई करते थे और सबसे ऊपर राजा बैठता था। और ऊपर की तरफ नीचे छुपके बैठने की भी जगह है, क्योंकि अगर युद्ध ज़्यादा बढ़ जाता था तो राजा राम जो छुपके अपने आप को बचा सकता था। सच बोलूँ तो मुझे जंतर मंतर इतना खास कुछ लगा नहीं, बस हाँ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो देखने लायक है। मुझे तो बस अब यहाँ से चिड़ियाघर जाने की इच्छा है, अब चिड़ियाघर निकलेंगे बहुत जल्दी। जंतर मंतर से निकल चुके हैं, अब सीधा चिड़ियाघर निकलेंगे। हमारे हैवी ड्राइवर भैया आ चुके हैं, सामने खड़े हैं। चिड़ियाघर आप पहुंचे जयपुर के। मेन तो मेरे को शेर देखना था, बट शेर तो यहाँ है ही नहीं, बोल दिया कि दूसरे वाले उस पर जूमे डाल दिया उस शेर को। तो बस मैं अंदर बस मगरमच्छ देखने के लिए आया था। जो हमेशा वीडियो में देखे थे आज पास से देख रहे हैं, 12 सीका का हिरन। आजा, इस वाली कैद के अंदर है, छोटे वाले हिरन है और उधर मोर है। मोर तो चलो दिख जाते हैं बहुत ही जगह, और है मोर। इस वाले पूल में बहुत सारे है, दो तो ये रहे और इधर देखो चार है, वो चार है, दो छह हैं, अंदर भी होंगे तो होंगे, दिख तो रहे वैसे। ये मुंह खोल के बैठा है, बत्तख के साथ देख सकते हो। चूहे भी है, चूहे देखो वो आया, वो चूहा ऊपर से आया, अब इनकी चीजें खाएगा और भाग जाएगा। देखना वहाँ दो है, दो वो गया, वो गया, वाह क्या सीन है। ये देखो 70 मुर्ग, कितना बड़ा लगता है साइज में, इसके सामने मोर तो बच्चे ही लग रहा है। जोरदार एक ही है ना, ये समय वहाँ आ चुके हम। टाइगर देख सकते हो, चीता के नाम असली रे, जोरदार। हमारे सफर को और इंटरटेनिंग बनाने के लिए अजमेर से दो गाने गाने वाले ट्रेन में चढ़े। आज मेरी वो दिया तेरे
लेकिन ख्वाजा बुलाते, वो मेरा ख्वाजा।